नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आज हम आपके परिवार में होने वाली कलह की बात करेंगे। कहा जाता है कि जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज भी होगी ही। हर परिवार में भी लगभग लगभग ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन अगर वक्त रहते संभाला ना जाए तो ये छोटे छोटे झगड़े बड़ा रूप ले। परिवार में होने वाली कलह की बात करेंगे। कहा जाता है कि जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज भी होगी ही। हर परिवार में भी लगभग लगभग ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन अगर वक्त रहते संभाला ना जाए तो ये छोटे छोटे झगड़े बड़ा रूप ले लेते हैं, जो कि कई बार परिवार को तोड़ भी देते हैं। आज परिवार से जुड़े हुए इसी विषय पर हम बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। पारिवारिक रिश्तों में कलह के लक्षण और उपाय। भाई बहन माता पिता से क्यों नहीं बनती। परिवार के छोटे झगड़े कब बड़े हो जाते हैं। परिवार की लड़ाई का बच्चों पर असर। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। साथ ही साथ आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल पूछिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मेष राशि वालों के लिए सुबह के वक्त तो वक्त अच्छा रहेगा, जिसमें आज जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी और परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। परंतु आज स्वास्थ्य के लिए दिन कुछ अच्छा नहीं है, जिसके कारण पेट से संबंधित कोई तकलीफ होने का अंदेशा वो बना हुआ है और किसी से बेवजह का मन मुटाव हो सकता है और रुपए पैसे की दिक्कत वो सता सकती है। वृषभ राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है और किसी प्रकार की शारीरिक चोट भी लग सकती है, इसीलिए सावधानी बरतेंगे तो उत्तम रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी कुछ खट्टा मीठा ही दिन है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, पढ़ाई की तरफ मन बना रहेगा और कामकाज भी करने वालों के लिए अच्छा समय है, कामकाज अच्छा रहेगा। परंतु स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है और किसी के साथ बेमतलब के विवाद उत्पन्न ना करें, कोई मतभेद ना करेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। गुरुदेव, चूंकि आज हम अपने शो के जरिए पारिवारिक कलह को दूर करने के उपाय हमारे दर्शकों को बताएंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि कई बार छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, परिवार टूट भी जाता है। इन झगड़ों को हम पहचाने कैसे, इनके लक्षण क्या होते हैं और उपाय क्या किए जाएं? बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। वैसे तो हर ग्रह किसी न किसी के साथ जुड़ के किसी का अच्छा करता है, किसी का बुरा करता है, लेकिन जब भी ये ग्रह आपस में कुछ खास जगहों पर इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त में उन ग्रहों से रिलेटेड जो रिश्तेदार होते हैं या जिस घर में वो जाकर के बैठते हैं उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं उनसे संबंधित अच्छा या बुरा फल हमारी जन्म कुंडली में निकल के आता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आजकल इन दिनों में शनि बुध की युति चल रही है, सूर्य शुक्र की युति चल रही है और मंगल और बृहस्पति की युति चल रही है। ये योग जो चल रहा है, अब ये घरों के साथ में इनका किस किस घर के साथ संबंध है उसके अनुसार ये फल देगा। जैसे शनि और बुध ये जब मिलते हैं आपस में, अगर इंसान की कुंडली के अंदर ये अच्छे घरों में बैठे हैं तो इन दिनों में उस इंसान को ये बहुत अच्छी तरक्की देंगे, कामकाज के अंदर नाम देंगे और नए नए वेंचर खुलेंगे और नए नए काम होंगे जिसके अंदर इंसान को वाकई में बहुत अच्छी तरक्की की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन अगर ये खराब हुए तो ये चाचा के परिवार के साथ, खास तौर पे चाचा के साथ में ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और बहन के साथ में भी ये कोई ना कोई तकलीफ बना सकते हैं, जिसके चलते हुए हो सकता है कि अपनी ही रिश्तेदारी के अंदर किसी न किसी के साथ में मकान को लेकर झगड़ा हो जाए, घर की वैसे सुख शांति खराब हो जाए, कोर्ट कचहरी का कोई ना कोई मसला पैदा हो जाए आपस में ही,
और चाचा के साथ खास तौर पे और बहन के साथ खास तौर पे मामले इन दिनों में बिगड़ सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्य शुक्र का मेल, सूर्य शुक्र ये जब भी आपस में जोड़ते हैं तो राहु खराब हो जाता है और शादीशुदा जिंदगी का जो आधार है वो राहु होता है। और जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ है और वो गृहस्थी के साथ संबंध लेके बैठा है तो यही वो दिन चल रहे हैं जिसके अंदर गृहस्थी के अंदर प्रॉब्लमें पैदा होती हैं, मियां बीबी के निजी सुखों में दिक्कत आती है और जीवन साथी बीमार होता है या जीवन साथी का एक दूसरे के ऊपर से मन ही उठने लग जाता है। ये इस वक्त का समय खास तौर पे घातक चल रहा है और इसकी जो पहचान होती है वो इसी चीज से होने लगती है कि जैसे ही अपना जीवन साथी बात करता है तो अपने आप को इरिटेशन होती है और कोशिश ये होने लगती है कि बस जल्दी से जल्दी ये अपनी बात खत्म करे और अलग हटे। समझे बेटा, ये सूर्य शुक्र का मेल इस वक्त में बड़ा घातक होता है और जो जीवन साथी ने गलतियां नहीं करी उनके बारे में खाम खाई का बात का बाउंडर बनाना और किसी जीवन साथी का अपने जीवन साथी से इंटरेस्ट हटके खाम खाई की उसकी नजर का भटकाव होना ये इन दिनों में खास तौर पे हो सकता है। ये सारे कारण बेटा लड़ाइयों के तो पैदा होते हैं गृहस्थी के अंदर। फिर मंगल बृहस्पति का मेल, ये योग भी अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति खराब है तो भाइयों के साथ लड़ाई होना, कलेश पड़ना, कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा होना कि शादीशुदा जिंदगी को लेकर के या जीवन साथी की कामना को लेकर के, सिर्फ कामना को लेकर के अपने घर के अंदर कलेश पैदा हो जाना जिसकी वजह से लड़ाइयां इतनी बढ़ जाएं कि एक दूसरे के साथ में बनके ना रहे और दोनों के मुंह अलग अलग हो जाए और या परिवार के साथ इतनी लड़ाई हो जाए कि अलग होने का मन करे। ये सारी अवस्था इस वक्त चल रही है क्योंकि अब इसमें शनि बुध सूर्य शुक्र और मंगल बृहस्पति ये तीनों की युतियां चल रही है आपस में तो ये एक घातक योग ये भी बना सकती है कि कोई हालात इतने खराबी तक पैदा हो कि घर में किसी का टेंस इतना ज्यादा बढ़े कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। ये बेटा यही खराबियों के योग लगभग हर घर के अंदर बसे हुए हैं क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह जिसमें से 6 इस वक्त यति करके बैठे हुए हैं और कुंडली के अंदर ज्यादातर कोई भी एक ग्रह भी अगर खराब हुआ तो उससे संबंधित ये दिक्कतें इस वक्त में बना ही जाएगा। बेटा ये कारण होते हैं जो सही मायने के अंदर परिवार को खाम खाई आपस में तोड़ भी देते हैं, फूट डाल देते हैं, भाई बहनों को एक नहीं रहने देते, रिश्तेदारों को एक नहीं रहने देते और घरेलू जीवन के अंदर भी बड़ी बड़ी कलाएं पैदा कर देते हैं। अब इन सबके आपको उपाय भी चाहिए। अगर चाचा के साथ मामला खराब हो या इन दिनों में स्पेशली कोई कोर्ट कचहरी शुरू हो रही हो या डॉक्यूमेंट राइटिंग को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही हो तो इस वक्त सबसे उत्तम उपाय आम के पत्ते लेकर के 108 आम के पत्ते लेकर के उनको बेटा हरे रंग के धागे में बांध के उसकी माला बना करके जिस भगवान को आप पूजते हैं उसके गले में जाके डाल के और ये कम से कम आपको 10 दिन करना है या 11 दिन करना है। ये करना बहुत जरूरी होगा, इससे आपकी इन लड़ाइयों का बचाव हो जाएगा। दूसरा सूर्य शुक्र का मेल, अगर जीवन साथी बहुत ही ज्यादा बीमार होने लग गया इन दिनों में या जीवन साथी के साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, शक और वहम की प्रॉब्लम हो गई है या मन नहीं आपस में मिल पा रहा और पास में आते ही अगर लड़ाइयां महसूस हो रही हैं कि नहीं उसके साथ बात करने को दिल नहीं कर रहा, मिलन का दिल नहीं कर रहा, ये वाली अगर सिचुएशन उत्पन्न हो जाए तो इस वक्त में खासतौर पर उपाय कि 9 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के, जो गमलों पे करने वाला रंग होता है, कांसे की कटोरी में गेरू मिट्टी भर के बेटा उसे जल प्रवाह कर दो 9 दिन, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरा है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति इन दिनों के अंदर अगर खास तौर पे घर के अंदर भाई बहनों का आपस में कलेश हो जाए, गृहस्थी के अंदर कलेश हो जाए और खास तौर पे शादी की बात को लेकर के घर में कलेश पड़ जाए तो बेटा इन दिनों में समझ लो कि मंगल या बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर खराब है और इस वक्त का मेल चल रहा है तो वो खराबी देगा। उसके लिए पीले कपड़े के अंदर साबुत लाल मिर्च डंडी वाली ये बांध के बेटा इसको लगातार 27 दिन मंदिर के अंदर देते हैं। समझे, ये उपाय करो बेटा, इन सारी दुख तकलीफों को अपने घर से दूर रखो
और खुशियां मनाओ। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। हर तरह से सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा और कुछ नया करने की सोच मन में पैदा होगी। सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी से बेवजह का झगड़ा ना करें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से भी आगे निकल सकते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छा दिन है आपकी सोच समझ के लिए। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज सफलता का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, और खास तौर पे जो यारी दोस्ती में आज वक्त बिताना चाहते हैं उनके लिए यारों दोस्तों का सुख तो है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव का माहौल बन सकता है और वाहन चलाते वक्त आपको आज सावधानी रखना बहुत जरूरी है। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आपके घर से जुड़े हुए 5 बड़े वास्तु दोष क्या हैं और कैसा हो आपके घर का वास्तु। सबसे पहले आपके घर के उत्तर पूर्व वाले हिस्से की बात करते हैं। घर के उत्तर पूर्व वाले कोने में टॉयलेट होना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसके अलावा इस हिस्से में रसोई घर होना भी गलत माना जाता है। इस दिशा में टॉयलेट होने से आमदनी में कमी होती है और किचन होने पर सेहत को लेकर परेशानियां होती हैं। अगर किसी प्लॉट का उत्तर पूर्व कोना कटा हुआ है तो आर्थिक परेशानी बढ़ेगी और विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में बोरिंग या नल होना वास्तु में दोष समझा जाता है। इसके अलावा इस दिशा में घर का मेन गेट होना भी वास्तु दोष है। इस दिशा में पानी का स्रोत होने से पुश्तैनी संपत्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपके इकट्ठा हुए पैसे खत्म होने लगते हैं। परिवार के किसी सदस्य को बुरी लत लग सकती है। घर में फर्श की ढलान दक्षिण या पश्चिम की ओर होना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा होने से बुरा समय पीछा नहीं छोड़ता। घर के बीच में कमरा या कोई पिलर होना वास्तु में ब्रह्म दोष के नाम से जाना जाता है। इसकी खराबी से घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अब आपको बताते हैं घर का वास्तु होना कैसा चाहिए। घर के उत्तर पूर्व में भगवान का मंदिर होना चाहिए और इसी दिशा में पानी का स्रोत भी होना चाहिए। घर के पूर्वी हिस्से में बाथरूम शुभ होता है। किचन के लिए घर का दक्षिण पूर्व हिस्सा सबसे अच्छा माना जाता है। भोजन करते वक्त दक्षिण में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। घर के बड़ों का बेडरूम दक्षिण पश्चिम के कोने वाले हिस्से में और बच्चों का कमरा उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। घर का मेन गेट दक्षिण पूर्व में बनाएं और मेन गेट का रंग हरा या नीला रखें। बेडरूम में टेबल गोल होनी चाहिए। बीम के नीचे या कॉलम के सामने नहीं सोना चाहिए। बच्चों के बेडरूम में कांच नहीं लगाएं। अगर आप घर लेने से पहले इन वास्तु दोषों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य आने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं पारिवारिक कलह की, कई बार प्रॉपर्टी का विवाद हुआ या फिर कोई और रीजन हुआ, भाई भाई में या फिर भाई बहन में बहुत ज्यादा झगड़े कई बार होते हैं, इसके लक्षणों को कैसे पहचाने। इसके लक्षण तो बेटा अपने आप ही नजर आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो धीरे धीरे करके बढ़ती है। जब भी कभी इस तरह का हालात बनते हैं तो इसमें अचानक दिमाग में विचार आता है और उसके लिए खराबी के हालात तभी नजर आने शुरू हो जाते हैं कि आपस में लड़ाई होगी, और ये पल जो होता है ये कुछ एक पल के अंदर ही ये सब चीज शुरू हो जाती है। जैसे आज मैंने बात करी कि मंगल और बृहस्पति का मेल चल रहा है। अब लक्षणों की बात कहें तो ये रहे, अगर किसी को पेट से संबंधित दिक्कत रहती है और उसको जुकाम भी इन दिनों के अंदर होने लग गया तो समझ लो भाई भाई की लड़ाई होने के दिन आ गए। ऊपर से अगर इन दिनों के अंदर खास तौर पे टांग पे चोट लगती है और साथ ही छींकों का, जुकाम का या डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम भी साथ में हो गई तो समझ लो इस वक्त में भाइयों के साथ में बिगड़ने का समय वो नजदीक आ गया, यानी कि क्लेश बढ़ेंगे क्योंकि इस वक्त में मंगल बृहस्पति इकट्ठे आ गए। फिर और चीज,
इन दिनों के अंदर खास तौर पे अगर किसी आप घर में आयोजन की बात कर रहे हैं, कोई खुशियों की बात करने की बात कर रहे हैं और किसी तरह का कोई प्रोग्राम आपके घर पे होने वाला है और उसके अंदर वैचारिक तकरार हो गई, तो बेटा समझ लो कि इस वक्त में ये खराब समय आ गया। समझिए, अगर इस तरह का हो और भाई भाई की इस वक्त में खास तौर पे लड़ाइयों के योग बने, तो बेटा जो मैंने मिर्चों वाला उपाय बताया है कि पीले कपड़े में थोड़ी सी लाल मिर्च साबुत डंडी वाली बांध के मंदिर के अंदर लगातार 27 दिन दे दो, ये उपाय करना बहुत ही अच्छा रहेगा। रही बात बहनों की, ये शनि और बुध ये मेल जो खराब आया है इन दिनों में, जिस वाली बांध के मंदिर के अंदर लगातार 27 दिन दे दो, ये उपाय करना बहुत ही अच्छा रहेगा। रही बात बहनों की, ये शनि और बुध ये मेल जो खराब आया है इन दिनों में, जिस भी बहन को अपनी पारिवारिक समस्याएं रही हैं, कहने का मतलब पति की तरफ से, या खास तौर पे जिन बहनों का डिवोर्स हुआ है और लीगल पूरी कार्रवाई हुई है और एक के बाद दूसरी शादी भी हो गई है, उन लोगों को आजकल सचेत रहने की खास तौर पे जरूरत है, वरना उनका ये जो झगड़ा है, अब डिवोर्स हो गया तो ससुराल के साथ तो होगा नहीं, लेकिन ये समय आ गया मायके वालों के साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने का। समझिए, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स होंगे, इन दिनों में अगर घर में कोई वाहन है तो उसके लिए या तो लड़ाई होगी या वाहन खराब होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इन दिनों के अंदर खास तौर पे घर पे रखे हुए नौकरों की बात को लेकर के कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा, और अपने घर के अंदर बार बार रिपेयरिंग वाले हालात पैदा होंगे, जिसके लिए घर के अंदर अभी या पिछले दिनों के अंदर कोई ना कोई मिस्त्री, कोई ना कोई ठीक ठाक करने वाला कारीगर आता ही रहा होगा। यहां से ये सिम्टम शुरू होते हैं, और अगर इस तरह का कुछ हो चुका हो तो बेटा 101 पत्ता या 108 पत्ते आम के लेकर के उनको हरे रंग के धागे में बांध कर पिरो करके एक तरह की माला सी बनानी है और अपने इष्ट देव को जाके अर्पित करके आए 10 दिन 11 दिन, कुछ भी आप चुन सकते हैं। ये करते हैं तो भाई बहन का क्लेश ये बंद होगा। फिर उसके बाद में बेटा सूर्य शुक्र का यही मेल मैंने बताया, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स ये होंगे कि मियां बीवी को मिलने का समय ही नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी, चाहे बीवी की व्यस्तता रहे चाहे मियां की रहे, और वो पहले तो व्यस्तता रहेगी, उसके बाद दोनों में से किसी एक को इन दिनों में शारीरिक कष्ट भी बनेगा, और फिर उसके बाद में छोटी छोटी बातों का बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जब ये हालात हो जाए तो समझ लो मामला खराब हो गया, और ये सूर्य शुक्र ने अपना असर दिखा दिया, तब कांसे के कटोरे के अंदर गेरू भर के इमीडिएटली उनको जल प्रवाह करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आप ये उपाय करो, राजे सुख परमात्मा देगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। बस फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं वनीता सौदागर दास, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम वनीता सौदागर दास है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1989, प्लेस ऑफ बर्थ है मेरा बोरीवली। मैं बिजनेस करती हूँ पार्लर का, कि मुझे आगे उसका सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सफलता के योग तो बहुत अच्छे हैं, पार्लर, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, पैसे के लेन देन के काम, घूम फिर करके पैसे इकट्ठे करने के काम, ये सारे काम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है बेटा, और इनके अंदर सफलता के योग पूरी तरह से बैठे हुए हैं। परंतु तुम्हारी कुंडली के अंदर दो योग भी ऐसे हैं जो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएंगे, शरीर के अंदर छोटी छोटी दिक्कतें देंगे, और जब भी तुम्हारा मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी,
घर में कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के धक्के खाने के योग बनेंगे और ये भी संभव है कि औलाद की पैदाइश से संबंधित भी कोई दुख खड़ा कर दे। ठीक है, और ऊपर से बृहस्पति पांचवें घर के बैठे हुए कहते कभी भी कामकाज को स्मूथ नहीं चलने देते जब तक कि अपने घर के अंदर कोई बेटा ऐसा ना पैदा हो जाए जो कि बृहस्पति वार के दिन पैदा हुआ। ठीक है, तो इन योगों के अगर तुम इलाज कर लेती हो बेटा तब तुम्हारे कामकाज के योग हर तरह से उत्तम होंगे। और वो इलाज क्या है? सबसे पहले अपने वजन के दसवें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना और ये हर साल करने हैं। दूसरा 43 दिन तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह करना और तीसरा 43 दिन 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करना। ये उपाय तो बेटा जरूर तुम्हारे दो बड़े निकल आए पर अगर ये कहीं तुमने कर लिए तो यही तुम्हारा काम किस स्तर का और कितना ऊंचा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर ये नहीं किए तो बेटा ये ऊपर नीचे वाले हालात चलते रहेंगे। गृहस्थी में और पुत्र बच्चे की पैदाइश के लिए भी कोई ना कोई तकलीफ बन सकती है और जब भी मकान बनेगा उसके बाद तकलीफें बनेंगी। इसलिए इन उपायों को जल्दी करो और सुखी रहो। इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर की कलह दूर करने के उपाय की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। आपके घर की कलह दूर करने के उपाय की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के लिए कुछ थोड़ी बहुत ही परेशानी बन सकती है, वरना हर तरह से दिन उत्तम है, जिसके लिए आज आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन लाभ भी मिलेगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी, परंतु अचानक शारीरिक दिक्कत आ सकती है। वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, उनकी सफलता के लिए दिन पूरा जरा उत्तम नहीं है, बाकी सब कुछ उत्तम रहेगा। कामकाज करने वाले लोगों को काम का सुख अच्छा मिलेगा, परिवार की तरफ से भी मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी और अगर बड़े बुजुर्गों की तरफ से आप मार्गदर्शन लेकर के चले तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। धनु राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, मन में चिड़चिड़ापन वो देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है और भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मिला जुला सा दिन है, जो ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। गुरुदेव, चूंकि बात आज पारिवारिक कलह की हो रही है तो हमने अक्सर देखा है और सुना भी है कि बहू और ननद में आपस में झगड़ा बहुत होता है या फिर अगर एक से ज्यादा दो या तीन बहुएं हैं तो आपस में लड़ाई होना तय माना जाता है। इसके लक्षणों को कैसे पहचाने और उपाय क्या करें? घर की बहू यानी कि लक्ष्मी, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? जन्म कुंडली का शुक्र, और बिना शुक्र के किसी भी शरीर के अंदर जोश नहीं हो सकता और जिसमें भी जोश होगा नेचुरली बात है वहां करंट ज्यादा होता है और जहां करंट होगा तो वहां पर काम अच्छे भी होते हैं, सब कुछ सही चलता भी है, लेकिन कभी कभी झटका भी लगता है। तो शुक्र का नाम ही झटका हो गया, ठीक है, एक तो ये चीज। ऊपर से ननद यानी कि बुध यानी कि बिन पैदे का लोटा, यानी कि जहां मर्जी लुढ़क जाएगा, कभी भी बुरा मान जाएगा, कभी भी इधर उधर के हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये सत्य बात है कि शुक्र और बुध आपस में मित्र तो है, इसीलिए जिस घर में ननद और भाभी की बनती है तो असीम बनती है, बहुत ही शानदार बनती है और कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब बिगड़ती है तो शुक्र का करंट यानी कि तेज जुबान और बुध का बिन पैदे का लोटा होना यानी कि विचारों का घूमना, ये ननद और भाभी के रिश्ते को वाकई में खराब करके रख देता है, ठीक है। और जिस घर में भी ऐसा हो, इन दोनों ही ग्रहों से मिश्रित उपाय करना बहुत जरूरी होता है। और वो क्या है? बुध और शुक्र यानी कि आटे की चक्की जो हाथ से चलती थी पुराने समय के अंदर, आज भी बहुत जगह मिलती है, कहीं पर भी ननद भाभी की लड़ाई हो और वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाए और एक दूसरे के साथ विचार ना मिल रहे हो तो बेटा सिंपल सी बात है, एक आटे की चक्की लो और लेकर के उठा के मंदिर के अंदर दे।
अगर मंदिर भी नहीं देना चाहते तो आप उसे जल प्रवाह करें। मंदिर में देना यानी कि जन्म कुंडली का दूसरा घर जो अपना घर परिवार कुंडबा माना जाता है, चौथा घर यानी कि जो घर की सुख शांति का घर माना जाता है, तो चाहे आप जल प्रवाह कर दो चाहे मंदिर के अंदर दे दो, ननान भाभी एक हो जाएंगी और उसके बाद उनकी आपस में लड़ाई नहीं बचेगी। गुरुदेव, कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता से विचार नहीं मिलते और फिर नतीजा वही होता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है, इसके लिए उपाय क्या करें? नहीं बेटा, बच्चों के जब विचार आपस में नहीं मिलते, माँ बाप के साथ नहीं मिलते, उसके कारण दो ही होते हैं कि बच्चे का बृहस्पति खराब हो गया और पापी ग्रह यानी कि शुक्र शनि राहु इनमें से किसी न किसी ने बृहस्पति के साथ संबंध बना करके मामला खराब कर दिया। और अगर मान लो सूर्य जो कि सहन शक्ति को खराब करता है उसको भी अगर खराब किया तो भी पापी ग्रहों ने ही किया है। और यही रीजन होता है कि जो बच्चों के विचार अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल नहीं मिलते और ऊपर से अपनी मनमर्जी के मालिक बन जाते हैं। खास तौर पे वो बच्चे जिनको जुकाम की दिक्कत, डस्ट एलर्जी की दिक्कत, साइनस की दिक्कत हो जाती है, और या जिनके मुंह के अंदर हर वक्त पानी बहुत ज्यादा बनता है, आंखें कमजोर हैं, बेटा इन लोगों को लेकर के खास तौर पे दिक्कत बनती है। और इसके लिए सबसे उत्तम बेटा पापी ग्रहों का इलाज ही है। अगर पापी ग्रहों का इलाज कर दिया तो सब कुछ उत्तम हो जाएगा। और वो क्या है कि ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स सब लोग हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। दूसरा, बच्चे के गले में पीले रंग का धागा और माँ बाप अपने गले के अंदर सोने की चेन जरूर डाल के रखें। और तीसरा, हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा इनमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा भी लेकर के लोहे के कटोरे में भर के बेटा सरसों का तेल लगा करके इनको शनिवार के शनिवार दान करना शुरू करते हैं। और साथ ही इसके 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के लिए मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, किसी के अंदर बच्चे का अपने आप ही हालात ठीक होने लगेंगे, माँ बाप के साथ विचार मिलेंगे, बच्चों के दिमाग में जो भटकाव है वो खत्म होने लगेगा। और अगर जुकाम की कंडीशन ज्यादा बढ़े या किसी तरह का पीलिया बढ़ जाए या किसी तरह का साइनस की प्रॉब्लम हो या फेफड़ों से संबंधित कोई बच्चे को दिक्कत हो तो ऐसी अवस्था में 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह कर दो बेटा, ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करके देखो, सुख जरूर नजर आएगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल। मकर राशि, मकर राशि वालों के आज खर्चे बढ़े हुए नजर आएंगे, शरीर में आलस्य भरा रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की आज जरूरत है। बाकी घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है, परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं और नए नए लोगों से मित्रता भी बनेगी और कामकाज से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है, आज यात्राओं का योग बना हुआ है, हो सके तो धन का सदुपयोग करें, बेमतलब न खर्चें, परिवार का सुख अच्छा प्राप्त होगा और आज आपके स्वभाव में काफी अच्छी गंभीरता और एकाग्रता देखने को मिलेगी। आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ हैं अंजलि, लखनऊ से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजलि। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम अंजलि साध है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1986 है। मेरा जन्म हुआ था 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे, और फरखाबाद में हुआ था मेरा जन्म। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य आगे का कैसा है, क्योंकि मैं बहुत से धोखे खा चुकी हूँ लाइफ में अपनी। बेटा, रही बात धोखे की जो तुमने अभी बात कही है, धोखा कभी इंसान नहीं खाता, अपने ग्रह अपने आप को धोखा खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस योग के अंदर जो मैं तुम्हारी जन्म कुंडली देख रहा हूँ इसके अंदर वाकई में यही कहते हैं कि जिसका मर्जी भला कर लो खाने को जूते ही मिलते हैं।
और दूसरी बात, मंगलदेव छठे स्थान के ऊपर बैठे हुए पति पत्नी वाले सुखों के लिए ये खराबी के योग देते हैं, यानी कि जब भी हम कोई ऐसे हालात के अंदर उतरते हैं तो इसमें तकलीफ देनी ही देनी होती है। ऊपर से चंद्र और बुध का मेल कहते हैं कि अपनी सोच जो होगी वो वन ट्रैक होगी। आम इंसान क्या है, एक टाइम के अंदर कई तरह की सोच रखता हुआ उसमें से जो उसको अच्छी लगती है उसको चुनके वो बोलता है, करता है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले 8 दिन लगातार 8-8 हल्दी की गांठ हो मंदिर के अंदर, तो उसके बाद हर बुधवार को या तो छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको साबुत बादाम दो, नहीं तो बकरी को काले चने ये खिलाओ बेटा। और तीसरा, 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो। अगर तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और इस उम्र के अंदर ही तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर की अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए उपाय, और वो उपाय है ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के उनको वीरान जमीन के अंदर खड्डा खोद के रखना है, और ऊपर से मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के ढक्कन लगा के उन पत्तों के ऊपर रख के बेटा खड्डे को बंद कर दो। अगर ये उपाय हो गया तो बेटा तुम्हारे धोखा खाने वाले सारे योग खत्म हो जाएंगे, और जो फ्लक्चुएशन तुम्हारी जिंदगी में लिखी है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा महीने का ये 100-150 रुपए का टैक्स कबूल कर लो, सारी जिंदगी सुखी रहोगी। और वो टैक्स क्या है, हर महीने पहले मंगलवार को काला सफेद एक कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार घुमा के बेटा मंदिर में देना शुरू कर दो। इन उपायों को करके देखो, 17 का धोखा बंद, जिंदगी अच्छी, और उसके बाद में जीवन साथी के सुख और कमाई के सुख सब बहुत उत्तम मिलेंगे। खुश रहना। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखदीप हमारे साथ हैं जालंधर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जन्म तिथि है 25/1/1967 और जन्म का टाइम है लगभग 8 बजे सुबह का। ठीक है, आन है जालंधर। सवाल क्या है आपका? एक तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, दूसरा कारोबार में ऊपर नीचे ज्यादा। देख बेटा, तेरी कुंडली के योग बहुत अच्छे हैं। गज केसरी योग भले ही छठे घर में बैठा है, ये तेरे को पूरी तरह से भर के देगा, किसी चीज की कमी नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने दूध और पानी का दान किया, प्याऊ बाहर लगाए, छबील बाटी, फिर ये तेरे को बहुत नुकसान देंगे, फिर तेरा कामकाज अच्छा खासा होते हुए भी नीचे गिर जाएगा। लगन में बैठा हुआ शुक्र, अगर इंसान को शराब की आदत पड़ जाए और ऐसी यारी दोस्ती जिसकी सोसाइटी बिगड़ी हो उसकी अगर आदत पड़ जाए तो ये मामले खराब करता है, और एक्सीडेंट भी यही करवाता है शुक्र मंगल का टकराव। और इसके लिए तुम्हें करना है सफेद रेशमी कपड़े के अंदर 1 किलो लाल जवार लपेट करके उसको घास वाली जमीन या खेती वाली जमीन के अंदर दबा दो, और 8 मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को ये जरूर डालो दिन के वक्त में, और 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी इन तीनों को 1-1 ग्राम मिलवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। पहली बात तो ये होगी बेटा, इससे फालतू उपायों की तुम्हें जरूरत नहीं है। इससे फालतू अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जितने ज्यादा चांदी के बर्तन ला करके तुम अपने घर पे रखोगे, जितने ज्यादा चांदी के बर्तन प्रयोग करोगे तुम्हारा सुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये एक अकेला योग ही काफी है जिंदगी को समृद्धि प्रदान करने के लिए। अब तुमने बात करी कामकाज की, किसी भी तरह के बेटा पानी से संबंधित, समुद्री जहाजों से संबंधित, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, किसी भी तरह के काम या पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह के तुम काम करते हो तो बेटा उसके अंदर तुम्हें बहुत ही अच्छी सफलता ये लिखी हुई है, और पहले नौकरी और बाद में अपने कामों के लिए काफी अच्छे सुख तो लिखे हुए हैं, लेकिन इन उपायों के बाद। और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी बात, तुम जितने बड़े सात्विक पूजा पाठ वाले रहोगे और व्यसनों से दूरी बना के रखोगे बेटा तुम्हारे जीवन के अंदर उतनी ही बड़ी खुशहालियां होंगी, क्योंकि लगन का शुक्र है। ये मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर शुक्र हो, इंसान अगर व्यसनों से और बुरी सोसाइटी से दूर रहे
तो बेटा जिंदगी के अंदर राजा की तरह जिंदगी गुजारता है और गृहस्थी के सुख भी बहुत उत्तम होते हैं और रुपए पैसे भी बहुत उत्तम होते हैं। जो बताए इनसे संबंधित किसी भी तरह के काम करोगे तो जीवन में बहुत सुखी रहोगे, खुश रहेगा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। बेटा आज बात हुई है पारिवारिक कला क्लेश की, और पारिवारिक कला क्लेश कहां से देखा जाता है? जब भी किन्हीं दो तीन चार ग्रहों के मिल जाने से चंद्र और मंगल डिस्टर्ब हो जाए तो समझ लो परिवार के अंदर क्लेश। चौथा घर तय करता है कि परिवार के अंदर क्लेश होगा या नहीं होगा, और अगर कहीं बाकी के ग्रह बुरे बैठे हैं और चौथा घर भी डिस्टर्ब है फिर तो क्लेश बहुत ही बड़े होते हैं। इसीलिए अगर हम चंद्र और मंगल को अच्छा कर ले तो बेटा अगर बाकी के ग्रह खराब बैठे भी हुए हों तो काफी बड़े क्लेशों से बचा जा सकता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? यह सिर्फ तभी करना चाहिए जब क्लेश बहुत हो, तब यह सबसे उत्तम उपाय है। या मियां बीवी के आपसी सुख दुनिया के दिखावे के लिए अच्छे हों, लेकिन जो निजी जिंदगी है, अपने कमरे की जिंदगी है, वहां पर जब यह खराब हो तो तब यह उपाय जरूर करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? हर मंगलवार को एक हलवा बनाना है, सूजी का ही हलवा बनाएंगे, देसी घी के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन पानी की जगह दूध डालेंगे। दूध में हलवा बनाकर के हर मंगलवार को बेटा स्वयं भी खाएं और गरीबों को भी खिलाएं, परमात्मा को भोग भी लगाएं। ये अगर आप करने लग गए और इसको लंबे समय तक चलाया तो बेटा परिवार के अंदर किसी भी तरह के खराब योग हो, ये चंद्र मंगल का ये उपाय जिंदगी के अंदर से सारे दुखों को निकाल के घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास देगा। दाता खुश है। तो आज का शो देखने के बाद जरूर आपकी पारिवारिक कलह अब दूर हो जाएगी। मंगल का ये उपाय जिंदगी के अंदर से सारे दुखों को निकाल के घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास देगा। दाता खुश है। तो आज का शो देखने के बाद जरूर आपकी पारिवारिक कलह अब दूर हो जाएगी। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और आपकी जिंदगी में होने वाले, आपके परिवार में होने वाले छोटे या बड़े हर तरह के झगड़े अब खत्म हो जाएंगे। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।